साथियों, अगर आप आ रहे हैं श्रीधाम बरसाने तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इस बार राधा रानी के दर्शन होने वाले हैं बहुत ही मुश्किलों के साथ में। वाले यात्री बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, क्योंकि ये जो बाहर वाली है ना, यहाँ बाहर का नजारा भी बहुत सुंदर है। मतलब बरसाना इधर से ही लगता है कि बरसाना है। अगर आप इस बार बरसाने आ रहे हैं राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए राधा जन्म महोत्सव पर, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है अंत तक, क्योंकि इस बार जिन पुराने रास्तों से राधा रानी के दर्शनों के लिए भक्तगण जाते थे वो रास्ते अब बंद कर दिए गए हैं, नया रास्ता बनाया जा रहा है। और ये नया रास्ता आप देख रहे हैं, पूरे युद्ध स्तर पर यहाँ पे काम चल रहा है, और इसी रास्ते से होकर यात्रीगण जाएंगे, दर्शन करेंगे। और अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ यात्रीगण आ रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं, और इसी परिक्रमा में होकर पूरी व्यवस्था इस बार रहेगी। यहाँ पर एक तरफ पहाड़ है, अगर आप इधर देखेंगे तो एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ खेत हैं। इससे महसूस होता है कि हम बरसाने में खड़े हुए हैं। पुराने जो व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाएं इस बार प्रशासन ने की हैं, जो बिल्कुल अलग ही नज़ारा इस बार दिखाएंगी। तो चलते हैं इस संपूर्ण बरसाने की बड़ी परिक्रमा को करने के लिए राधा अष्टमी से पहले। और आप शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि शेयर करने से उन लोगों को भी जानकारी हो जाएगी जो लोग इस राधा रानी की परिक्रमा में राधा रानी के दर्शन करेंगे। एक तो इस बार परिक्रमा भी आपकी हो जाएगी और राधा रानी जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो चलते हैं, ये देखें आप, यहाँ पर भक्तगण परिक्रमा लगा रहे हैं। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री बरसाने धाम को बास। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रशासन 45 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगा रहा है, और उसमें प्रशासन ने अपनी जो व्यवस्था की है वो बहुत ही ज्यादा लंबी व्यवस्था कर दी है। श्रद्धालुओं को घुमाने की व्यवस्था की है। अब श्रद्धालुओं को जैसे पहले 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल के ही श्री राधा रानी जी के दर्शन हो जाते थे, लेकिन इस बार अब वो दर्शन होंगे 15 किलोमीटर की परिक्रमा लगाकर। संपूर्ण ब्रह्माचल पर्वत का आपको उस रास्ते पर, संपूर्ण ब्रह्माचल पर्वत की परिक्रमा आपको लगानी होगी। पूरे ब्रह्माचल पर्वत के साइड में होके आपको परिक्रमा लगाएंगे। जब आप परिक्रमा लगाएंगे पूरे बरसाने की, तो बरसाने की जो परिक्रमा है वो 15 किलोमीटर की है, क्योंकि बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत काफ़ी बड़ा स्थल है और उस स्थल की आपको परिक्रमा लगानी है। अब ये परिक्रमा लगेगी कैसे, कहां कहां पर होके लगेगी, क्योंकि रात्रि का समय होगा महाराज। 10 तारीख से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब प्रारंभ हो जाएगा, और 10 तारीख की रात्रि में 11 बजे सुबह 4 बजे राधा रानी जी का प्राकट्य होगा, राधा रानी जी का अभिषेक होगा, और उसमें यात्री जो इतने भी होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो पूरी रात परिक्रमा करके और तब राधा रानी जी के दर्शनों के लिए पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा है, परिक्रमा बहुत लंबी है, और फिर सीढ़ियां भी चढ़नी होती हैं राधा रानी के दर्शनों कर दर्शन करने के लिए। तो अभी यहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ, कहाँ होके वो रास्ता है, संपूर्ण जानकारी आज आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, हम आपको उस पूरे रास्ते को, पूरी परिक्रमा को दिखाएंगे, कहाँ कहाँ पर होकर श्रद्धालु इस यात्रा को करेंगे, इस पर राधा रानी के दर्शन करेंगे, क्योंकि रात्रि का समय होगा, यहाँ यात्रियों के साथ में कुछ गलत न हो, जैसे चोरी है, सीना झपटी है, और अनेकों प्रकार के जो रात्रि में चोर लोग होते हैं वो श्रद्धालुओं के साथ कुछ भी गलत न कर पाए, उसके लिए भी प्रशासन ने थोड़ी सी कुछ तैयारियां की हैं। तो क्या क्या तैयारियां, कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं, तो चलते हैं। पहले तो आप ये बोर्ड देख लीजिए, ये लिखा हुआ है बड़ी परिक्रमा मार्ग, थाना मोड़ से चिकसौली तराया, चिकसौली मार्ग से धोनी कुंड, मानपुर जाते हुए माता जी गौशाला, बरसाना ऊंचा गांव मार्ग, पीली कोठी तराया, मिहारो प्यारो बरसानो प्रवेश मार्ग पर ही यात्री आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर पूरी जानकारी आज संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से ले पा रहे हैं। तो चलते हैं मेला श्री राधा रानी राधा अष्टमी 2024 के आनंद रस को लेने के लिए।
स्थान पर जहाँ से ये परिक्रमा प्रारंभ होती है। वैसे तो ये परिक्रमा दो जगहों से प्रारंभ होती है, एक तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के बस अड्डा पड़ता है और एक उस बस अड्डे से थोड़ा सा और आगे चल के म्यारो प्यारो बरसाने वाला मुख्य द्वार पड़ता है, वहाँ से भी परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है। वहाँ से अंदर जब श्रद्धालु जन जाते हैं तो आगे चल के ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ थाना मोड़ चिकसौली तराया, और इस चिकसौली तराहे पर पहुँच के हम यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो अभी हम इस मार्ग से चल रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर मंदिर है और ये वही रास्ता है जिस रास्ते से राधा रानी के मंदिर में गाड़ियों के माध्यम से पहुँच जाते हैं, उस ब्रह्माचल पर्वत पर ऊपर पहुँच जाते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। तो इस रास्ते से पहले ही थाना मोड़ आएगा, उस थाना मोड़ से चिकसौली के लिए चलेंगे और पूरी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो अभी हम चलते हैं थाना मोड़ इस मुख्य मार्ग से बरसाने के बस स्टैंड पर। अगर आप इधर देखेंगे तो यहीं पर बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड के बराबर में ही रंगीली गली के लिए रास्ता जाता है और वो सामने ही रंगीली महल है, सामने ही राधा रानी जी का भव्य मंदिर है और यहाँ से मंदिर तो बहुत ही प्यारा लगता है महाराज। और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है, CCTV कैमरा लगे हुए हैं, माइक लगे हुए हैं, स्पीकर लगे हुए हैं, भक्तों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बहुत ही पुख्ता इंतजाम इस बार प्रशासन ने किए हैं। लेकिन रास्ता 15 किलोमीटर का है, तो चलते हैं राधा रानी की बड़ी परिक्रमा को करने के लिए, क्योंकि आज राधा रानी के जन्म दिवस से 2 दिन पहले ही आप तक ये संपूर्ण जानकारी पहुंच जाएगी, जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं महाराज, आगे की तरफ बढ़ते हैं और परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं थाना मोड़ पर। यही थाना मोड़ है और यही मुख्य चौराया है, इसी मुख्य चौराहे से ही हम चले जाते हैं सीधे राधा रानी मंदिर के लिए। अगर आप इधर देखेंगे तो इधर है श्री राधा रानी मंदिर, और अगर आप इधर देखेंगे तो इधर है छोटी परिक्रमा मार्ग गहवर वन, और ये सामने अगर आप देखेंगे तो सांकरी कोर्क और गहवर वन परिक्रमा, सीधे हम छोटी परिक्रमा में चले जाते हैं। और अगर हम इधर देखेंगे तो इधर है परिक्रमा मार्ग, ये बड़ी परिक्रमा मार्ग है। तो अभी हमें चलना है यहाँ से बड़ी परिक्रमा में, क्योंकि इस बार श्रद्धालुओं को बड़ी परिक्रमा में ही होके दर्शनों के लिए लेके जाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें ये लिखा हुआ है बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा, साकरी कोर मार्ग, दोनों ही परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ हो जाती हैं। तो चलते हैं इस संपूर्ण बरसाने की बड़ी परिक्रमा को करने के लिए, कहाँ कहाँ पर होकर ये लगती है परिक्रमा। अभी हम आ चुके हैं मुख्य मार्ग पर, चिकसौली के मार्ग पर। ये चिकसौली का मार्ग है और इधर से अगर आप देखेंगे तो इधर ये रास्ता सीधा मंदिर के लिए चला जाता है और इधर से यात्री आ जाते हैं, जैसे गोवर्धन से या बाकी स्थानों से आते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ से अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये गहवर वन कुंड, माता जी की गौशाला, यहीं पर होकर यात्रियों को इस बार दर्शनों के लिए परिक्रमा करवाई जाएगी 15 किलोमीटर की, और ये है परिक्रमा मार्ग। तो इस बड़ी परिक्रमा में हम चल रहे हैं, यहाँ से गाड़ियाँ भी सीधी चली जाती हैं और अभी हम पहुँचेंगे ऊँचे गाँव, और ऊँचे गाँव से होकर कैसे ये यात्रा फिर बरसाने आएगी लौट कर, आपको संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। हम आ चुके हैं चिकसौली गांव में, और ये चिकसौली में है श्री राधा रानी जी की अष्ट सखियों में से एक चित्रा सखी, और इन चित्रा सखी जी का जन्म महोत्सव भी राधा रानी जी के जन्म के साथ में ही होता है। लगभग सभी अष्ट सखियों के जो जन्म महोत्सव मनाए जाते हैं वो भी राधा रानी के जन्मदिन से 2 दिन पहले 3 दिन बाद में इस तरीके से मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर चित्रा जी का जो जन्म महोत्सव है वो 12 सितंबर शाम 6 बजे साथियों, अभी हम आ चुके हैं माताजी गौशाला के चौक पर। ये माताजी गौशाला का तराया है, यहीं से सीधे हम गहवर वन के लिए चले जाते हैं और इस गहवर वन से ही हम मानपुर के लिए जाएंगे। तो सामने अगर आप देखेंगे तो सामने ही माताजी की गौशाला लगभग यहाँ से आधे किलोमीटर है, और यहीं से आगे डवाला गाँव है जहाँ पर तुंग विद्या सखी जी का जन्म स्थल है, और यहीं पर तुंग विद्या जी का भी जन्म महोत्सव मनाया जाता है महाराज, बड़ा ही सुंदर भाव होता है। अभी हम आ चुके हैं मानपुर गांव में, बरसाने की बड़ी परिक्रमा में ये रसमंडप पड़ता है, और यहाँ
राधा और रानी जी के इतने सुंदर दर्शन हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर भी बहुत ही भव्य तैयारियाँ चल रही हैं। आप अगर देखेंगे तो ये मान मंदिर का रस मंडप है, बहुत बड़ा ये स्थान है, और इधर में राधा और कृष्ण जी के बहुत ही भव्य सुंदर दर्शन है। जब आप राधा रानी जी के जन्म महोत्सव में आए तो रस मंडप पर भी आप दर्शन करने के लिए जरूर आए, क्योंकि ये रस मंडप आपकी बड़ी परिक्रमा के मार्ग में ही पड़ेगा, तो इसका भी आप जरूर लाभ लें। तो चलते हैं मानपुर से आगे की तरफ। भी हम आ चुके हैं माता जी की गौशाला पर। ये सामने अगर आप देख रहे हो तो बहुत बड़ी गौशाला है, ये कई किलोमीटरों में फैली हुई माता जी की गौशाला है। और ये अभी हम आए हैं रस मंडप पर होके, मान मंदिर बीच में पड़ता है। आप यहाँ से आएंगे और सीधे इस रास्ते से मुड़ेंगे, यहाँ से मुड़ेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये रास्ता अब हमें सीधे धोनी कुंड पहुँचा देगा। धोनी कुंड से हम ऊंचे गांव पहुँच जाएंगे। ऊंचे गांव में राधा जी की एक और सखी हैं, उनके भी बहुत ही सुंदर दर्शन हैं। ललिता जी का वहाँ पर काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो यहाँ से इस रास्ते से जाएंगे अब हम। ये रास्ता देख रहे हैं आप, नया रास्ता बन रहा है ये, और काफ़ी चौड़ा रास्ता है। और यहाँ से इस छोटे रास्ते पर होके मान मंदिर पर भी सीधे चले जाते हैं। परिक्रमा मार्ग में यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये मार्ग बन रहा है। और कुछ यात्रीगण हैं जो इस पूरी बरसाने की बड़ी परिक्रमा को कर रहे हैं, जानते हैं कितनी लंबी ये परिक्रमा है और कैसे भक्तगण प्रसन्न हो रहे हैं इस राधा रानी की बड़ी परिक्रमा को करने में, क्योंकि ये नया रास्ता अभी बना हुआ है। राधे राधे, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं यहीं से हूँ जी। कितने किलोमीटर की परिक्रमा है ये राधा रानी? ये काफी बड़ी परिक्रमा है, छोटी वाली से तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना इसे देने में, 5 किलोमीटर के समथिंग होगी। छोटी वाली परिक्रमा वो तो गहवर वन होके और ऊपर मान मंदिर के पास में होके जल्दी से पहुंच जाते थे। हाँ, ये बड़ी वाली, इसमें सारे मंदिर आते हैं, पूरी बड़ी परिक्रमा है, इसमें बहुत सारे भक्त लोग भी मिलते रहते हैं। ये परिक्रमा भी बन रही है, ऑलमोस्ट बन ही चुकी है, थोड़ी सी रह गई है, ये भी बनी जाएगी। पर यहाँ से जाने वाले यात्री बहुत ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि ये जो बाहर वाली है ना, यहाँ बाहर का नजारा भी बहुत सुंदर है। मतलब बरसाना इधर से ही लगता है कि बरसाना बरसाना है। अगर आप इधर देखेंगे तो एक तरफ में यहाँ पर पूरा पहाड़ है और सामने ही ललिता सखी का वो मंदिर है, वो उधर सामने देखेंगे। लेकिन अब हमें ललिता सखी के मंदिर पे नहीं जाना, यहाँ से हम सीधे सुदामा चौक पहुँच जाएंगे, जो पुरानी सीढ़ियाँ हैं। साथियों, अभी हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ से रोपवे बिल्कुल पास है। ये परिक्रमा मार्ग यहाँ रोपवे के माध्यम से श्री धाम बरसाने में पहुँचा देगा। ये अभी ये रोपवे जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल चल ही नहीं रहे, लेकिन ये चल बहुत तेज रहे हैं। ये देखें महाराज कैसे सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं लोग यहाँ पर बैठे हुए, तो बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं। ये देखें ये उड़ता हुआ जा रहा है, और उड़ते हुए लोग इस बार राधा रानी जी के दर्शन करेंगे। तो चलते हैं और इस परिक्रमा का हम करते हैं समापन। यो, अब हम आ चुके हैं रंगीली चौक, यही रंगीली गली है, इसी रंगीली गली से होकर राधा रानी जी के दर्शनों के लिए जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता हमारे लिए बहुत ही छोटा पड़ता है, यहाँ से कम सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और बहुत ही जल्दी हम राधा रानी की दर्शनों के लिए पहुँच जाएंगे। और इसमें भीड़ भी कम रहती है और ये रास्ता बहुत कम लोगों को पता होता है इन प्यारी रंगीली गलियों का। तो चलते हैं इस रंगीली गली से होके राधा रानी के दर्शनों के लिए। 800 से 500 के आसपास सीढ़ियां हैं, उन्हें चढ़ के हम राधा रानी जी के मंदिर के अंदर में आ चुके हैं। सबसे पहले कामधेनु गाय के दर्शन करते हैं। यहो कामधेनु माता की जय। कामधेनु गाय के थन आप यहाँ पर देख रहे हैं, बड़े ही सुंदर दर्शन। और जैसे ही यहाँ के दर्शन होते हैं तो थोड़ा सा ही आगे चल के राधा रानी जी के चरणों के दर्शन हैं और ब्रह्मा जी के भी दर्शन हैं। आइए चलिए। राधा रानी सरकार की जय। ओ राधा रानी, ये राधा रानी के चरणों के दर्शन हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त हो पाते हैं। और यहीं पर ब्रह्मा जी भी विराजमान हैं। ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत ही अलौकिक और अद्भुत आनंद प्रदान करने वाला। तो अब चलते हैं राधा रानी जी के दर्शनों के लिए। और अब हम आ चुके हैं राधा रानी जी के मंदिर के मुख्य मार्ग पर, और ये सामने सीढ़ियां हैं, थोड़ी सी सीढ़ियां और चढ़नी है, और इसी सफेद छतरी में राधा रानी जी विराजमान होंगी 11 तारीख को शाम 4 बजे। तो ऊपर से राधा रानी जी अपने
निज महल में से, गर्भगृह में से निकलकर आती हैं और इस सफेद छतरी में बैठती हैं, और यहीं से जो भक्तगण होते हैं वो राधा रानी जी के दर्शन बिल्कुल पास से करते हैं यहाँ से। अपने बरसाने की संपूर्ण परिक्रमा की, राधा रानी जी के दर्शन किए, और अब हम आपको कराएंगे राधा रानी जी के वो दिव्य दर्शन जो केवल साल में 3 बार होते हैं। तो इस राधा अष्टमी पर शाम को 4 बजे राधा रानी जी 11 तारीख को दर्शन देंगी और 10 तारीख की रात को सुबह 4 बजे उनका महाअभिषेक होगा, जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। बरसाने में 11 तारीख से पहले ही, लगभग 10 तारीख से ही श्रद्धालुओं का आना जाना प्रारंभ हो जाता है और भक्तों का खूब सैलाब आता है। इस बार लगभग 45 लाख लोगों के आने की आशंका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनेकों श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं और पूरा बरसाना यहाँ से दिखाई देता है। ब्रजवासियों के घर और सफेद छतरी भी यहाँ से दिखाई दे रही है। इसी सफेद छतरी में राधा रानी जी दर्शन देंगी। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है और ये भी आपका एक पुण्य का कार्य होता है। जो बीमार होते हैं, लाचार व्यक्ति होते हैं, जो आ नहीं सकते, वो भी घर बैठे ठाकुर जी के दर्शन कर लेते हैं, तो इससे बड़ी और पुण्य की क्या बात होगी। तो मिलते हैं आपको और एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।